अलीगढ़ से ब्रेकिंग न्यूज, मगरमच्छ पकड़ने पर लोगों को मिली राहत। नई बस्ती इलाके में कई सालों से पोखर में पल रहा था मगरमच्छ, दशक में थे स्थानीय लोग, मगरमच्छ पकड़ने पर लोगों को मिली राहत। अलीगढ़ की नई बस्ती इलाके में पिछले कई सालों से पोखर में पल रहा मगरमच्छ स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ था। आए दिन इस मगरमच्छ को देख लेने पर लोग दहशत में आ जाया करते थे। वहीं बुधवार की सुबह ये मगरमच्छ पोखर से बाहर निकलकर बैठा हुआ था। आसपास के लोगों की नजर जब इस मगरमच्छ पर पड़ी तो लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर पकड़ लिया। तब जाकर स्थानीय लोगों ने राहत भरी सांस ली। स्थानीय लोगों का कहना था कि ये मगरमच्छ पोखर में पिछले कई वर्षों से पल रहा था, इसके कारण इलाके में दहशत बनी हुई थी। आए दिन ये मगरमच्छ पोखर से बाहर आ जाया करता था। इसको लेकर वन विभाग को कई बार लिखित में शिकायत पत्र दिए गए थे, परंतु अधिकारियों द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए। इधर जब ये मगरमच्छ बुधवार को पोखर के बाहर दिखाई दिया तो लोगों ने इसकी घेराबंदी कर वन विभाग को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इसका रेस्क्यू कर मौके से पकड़ लिया। जीव जंतु विशेषज्ञ बताते हैं कि इस तरह का मगरमच्छ चंबल घाटी में पाया जाता है। हो सकता है कि ये बारू बदरपुर के ट्रक में कहीं आ गया है। इस मगरमच्छ को शायद किसी बदरपुर बारूद के कारोबारी को पाए जाने के बाद घबराहट में ये इस पोखर में छोड़ दिया, तभी से ये मछलियों को खाकर पल रहा था। ये बात साबित होती है कि पोखर से कुछ दूरी पर राजकीय औद्योगिक व कृषि प्रदर्शनी के मैदान में बारू और बदरपुर की मंडी लगती है। हो सकता है कि किसी ट्रक में आ गया हो। स्थानीय फिलहाल मगरमच्छ पकड़े जाने के बाद लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। अब लोगों की दहशत भी दूर हो चुकी है। नाम है आपका? मेरा नाम राशिद है। राशिद, क्या हुआ था यहाँ पर, क्या मामला हुआ? यहाँ एक मगरमच्छ सामने आके बैठ गया, गाड़ी सी में बैठ गया, टूटी सी गाड़ी, एक ट्रक खड़ा हुआ था। तो वहाँ पे जब मोहल्ले वालों ने देखा तो नीचे बैठा हुआ था, तो उससे वन विभाग वालों को सूचना दी गई, तो उसी तरीके से सब उन्होंने एक प्लान बनाकर इसको रेस्क्यू किया यहाँ पर। अच्छा, कितने दिन से लोग परेशान थे, कैसी दहशत थी? यहाँ बहुत दर्दनाक दहशत है समझ लीजिए, क्योंकि लगभग ये 7-8 साल पुराना था और ये काफ़ी लगभग 4-5 साल से ज़्यादा सुर्खियों में था ये, क्योंकि मोहल्ले में गलियों में आ जाता था, दरवाज़ों पर बैठ जाता था, इसलिए बच्चों का सबका यहाँ खतरा बहुत रहता था। अब कैसा लोगों को खुशी मिल रही है? अब तो बहुत खुशी हुई है, बहुत राहत हुई है जो कि पकड़ा गया है। अब ये है कि ऊपर वाले से दुआ है कि यहाँ पे और ना हो, क्योंकि लोग वक्त बताते हैं कि एक और हो सकता है यहाँ। वैसे हमने तो देखा नहीं है, हमने तो एक ही देखा है। कौन सा इलाका है, कहाँ पाया था ये? अलीगढ़ का, अलीगढ़ जिले नई बस्ती पोखर तालाब के अंदर ये पाया गया है। आपका? मेरा नाम नादिर खान है। नादिर जी, किस तरह का यहाँ समस्या थी और क्या हुआ है? समस्या करीब 3-4 साल से एक मगरमच्छ की थी सबसे बहुत बड़ी, जिससे कि मोहल्ला ही पूरा दहशत में था और कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था वो। जब वो परेशान कर रहा था, वन विभाग को सूचना दी गई थी, वन विभाग ने अपनी पूरी टीम लगा रखी थी, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन पूरे मोहल्ले ने उसे एक पूरा तवज्जो दी उसके ऊपर कि कहाँ बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। तो आज वो सुबह में उसको पता लगी कि वन विभाग के जो है पकड़वाया गया उसे, और वो जो है सुबह से ही उसे मोहल्ले के लोगों ने कब्जे करा उसे, और उसके बाद जो है कवर करा था, सूचना दी, उसके बाद वो पकड़ा गया। आज जो है मोहल्ले के लोग शांति शांति अपने मोहल्ले में थोड़ा सा सुकून चाह रहे हैं, और वन विभाग का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने एक कॉल करने पर आ गए थे। लग रहे हैं। अलीगढ़ से संदीप शर्मा की रिपोर्ट, जनकल्याण न्यूज़।